जांजगीर जिले के ग्राम कुटरा में रहने वाला एक व्यक्ति अपनी पुत्री की सलामती को लेकर काफी परेशान है। व्यक्ति की नाबालिग पुत्री राजा जोशी नामक लड़के के साथ कहीं चली गई है। 18 अगस्त को वह स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन ना तो वह स्कूल पहुंची ना ही घर। जांच पड़ताल के दौरान पता चला है कि नाबालिग ग्राम कुथुर में रहने वाले अपनी सहेली के घर पहुंची और वहां कपड़े बदलकर बिलासपुर के ग्राम धनगावा पकरिया निवासी राजा जोशी के साथ कहीं चली गई। नाबालिग के पिता ने एसपी से शिकायत कर अपनी पुत्री को खोज निकालने की मांग की है। मोर लड़की का थे 18 तारीख के सुबह 9:30 के आस पास स्कूल जा के निकली, वह शाम तक वापस नहीं आई। तो हम लसा खोज से मोर लड़की नहीं आई से तो हम उन खोजत खोजत गए तो बारे में पता चली भूमिका नाम के लड़की है कुथुर में। तो जहाँ गए तो साइकिल बैग किताब ड्रेस सब मिली वहाँ। तो हम लड़की वापस नहीं आए हैं, पुलिस प्रशासन कर रिपोर्ट दर्ज करवाए हैं पामगढ़ में, वहाँ हमारे संतोष कार्यवाही नहीं मिली। और बाद हम यहाँ गए जांजगीर एसपी कार्यालय में, तब भी हम उनके मन संतोष नहीं है। हम लोग कहीं है हो गए हैं, हम लोग किसी भी तरीके से हम लड़की लाए। और माँ बाप के तबीयत बहुत खराब हो गया रो रो के। हम लड़की 18 तारीख के स्कूल गए, आपस नहीं आए। पूछत पूछत पता लगाए तो कुथुर गाँव में भूमिका नाम के लड़की घरी गिरी से वहाँ मोर बेटी के ड्रेस जूता साइकिल सब वहीं है वह वहीं ले गायब हो है मोर बेटी है। पामगढ़ के थाना में रिपोर्ट दर्ज करे हैं, एसपी आपिस गए हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं करा थे। इतका दिन हो गया मोर बेटी गए, एक महीना अभी वो लड़का वाला घर गए चुनी। मैं शासन से जा था मोर बेटी नाबालिग है 14 साल के घर में ला के कसनो करके मोर दे दे। मैं शुगर वाली हो बीपी वाली हो मोर बेटी ला मैं देखना चाहता।